हे गाइस, आज मैं करने जा रहा हूँ द गर्ल डाउनस्टेयर एपिसोड 4 की एक्सप्लेन। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाके उन्हें चेकआउट कर लो। मैं इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। एपिसोड की स्टार्ट में जुनतांग उल्टी कर रहा होता है क्योंकि कल रात उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। सिया बाहर से बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ज्यादा मत पियो और तुम्हें स्टोर से ज्यादा बियर नहीं लानी चाहिए थी। जुनतांग मुंह धोते हुए कल के बारे में ही सोच रहा था और मन में कहता है, मैंने कल इसलिए ज्यादा पी ली क्योंकि मैं कल के बारे में भूलना चाहता था। फिर जुनतांग बाथरूम से बाहर आके सिया को बोलता है, तुम्हारी आंख फूली हुई लग रही है और मैं वो नहीं था जिसने तुम्हें रुलाया। फिर वो लिविंग रूम को देख के बोलता है, तू कहाँ गई? सिया कहती है, वो पहली बस पकड़ के चली गई। जुनतांग बोलता है, उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं इसलिए वो चली गई। फिर सिया बोलती है, तुम लोग इतने करीब नहीं हो ना? जुनतांग बोलता है, ऐसा नहीं है। और वो अपना प्लान बताने ही वाला होता है तभी रुक जाता है और सोचता है, मैं इसे ये क्यों बता रहा हूँ। फिर सिया सेल्फ में लाइटर ढूंढ रही होती है और जुनतांग को याद आता है और वो जाके उसे लाइटर देता है और सीक्रेट का डब्बा दिखा के पूछता है, ये तुम्हारा है क्या? सिया सीक्रेट का डब्बा लेके टॉयलेट में फेंक देती है। उसे देख के जुनतांग कल के बारे में याद करने लगता है, मैं कल रात को ये जानने के लिए बेताब था कि वो क्यों रो रही है लेकिन मैं से पूछ नहीं पाया और वो सीक्रेट का पैकेट किसी और का था, अगर है तो वो पर्सन कौन होगा। फिर वो अपने फोन में सिया के पास्ट के बारे में जानने के लिए सर्च करने लगता है लेकिन तभी वहाँ सिया आ जाती है। उसे देख के जुनतांग हैरान हो जाता है और अपने नजरे चुराने लगता है तो सिया उसे बोलती है, हे क्या हुआ, इधर देखो। जुनतांग उसे देखता है तो उसे अंदर से थोड़ी उसके लिए फीलिंग आने लगती है इसलिए वो बाहर भागने लगता है और वो बोल रहा होता है, मैं कचरा फेंकने जा रहा हूँ। डस्टबिन के पास आके बोलता है, मैं उससे दोस्ती इसलिए किया क्योंकि वो एक अमीर लड़की है। और वो चिल्लाने लगता है तभी पीछे सिया आ जाती है और उसे देख के हंसने लगती है और कहती है, जुनतांग मैं आज रात टेक आउट के लिए फ्राइड चिकन ऑर्डर करने के बारे में सोच रही हूँ, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? जुनतांग बोलता है, हाँ जरूर। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक महीना बीत चुका होता है और हमें जुनतांग दिखाया जाता है जो कि कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा होता है। सभी उसे देख के बोल रहे होते हैं, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज तुमसे मिलने आ रही है? तभी पीछे से साइकिल लेके वही सीनियर बंदा आता है और बोलता है, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रही हो? जुनतांग बोलता है, मैंने कहा ना वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर वहाँ पे सिया और जू आ जाते हैं। जुनतांग जू को देख के हैरान हो जाता है और उसे पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और अपने मन में कहता है, मुझे इस बारे में बुरा क्यों लग रहा है? सिया बोलती है, वो मुझे कंपनी देने आई है। फिर वो तीनों चेरी ब्लॉसम के ट्री को देखते हुए घूम रहे होते हैं। सिया ये सब देख के बहुत खुश होती है और फोटो लेने लगती है। फिर सिया फोन में देखती है और बोलती है, मेरे तो दोस्ती नहीं है। फिर जैसे ही सिया उन दोनों को देखती है वो दोनों अपने फोन से फोटो लेने लगते हैं इधर उधर की। तभी सिया बोलती है, जुनतांग तुम मेरी फोटो लोगे? जुनतांग फिर उसकी फोटो लेने लगता है और मन में सोचता है कि वो मेरी एज की लड़की नहीं है और उसके बारे में सोचने लगता है। फिर कहता है, वो दूसरी दुनिया की तरह है। झू कहती है, जुनतांग अब जबकि हम इन फूलों के नीचे हैं मुझे बस एक बात याद आई। जुनतांग बोलता है, वो क्या है? झू बोलती है, मिड टर्म के एग्जाम आ रहे हैं। ये सुन के जुनतांग चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन में झू जा रही होती है और कहती है, हमें अब स्टडी मोड में जाने का समय आ गया है और कल से एग्जाम की तैयारी करें। जुनतांग झू से कहता है, हम लाइब्रेरी में एक साथ स्टडी कर सकते थे। झू बोलती है, तुम अपने दोस्तों के साथ रिवाइज करते हो और तुम उनसे मदद भी मांग सकते हो। और इतना कहते ही वो चले जाती है। फिर जुनतांग भी जाने लगता है और वो थोड़ा सा उदास लग रहा होता है। फिर सिया उसे देख के झू की फोटो दिखाती है जो कि उसने छुपके से ले ली थी। ये देख के जुनतांग बोलता है, तुमने ये कब ली? क्या तुम इसे ग्रुप चैट में भेज सकती हो? जू से पहले पूछ लो। सिया बोलती है, क्या तुम उससे इतना पसंद करते हो? जुनतांग बोलता है, मैं नहीं करता। और उदास होके बैठ जाता है और बोलता है, क्या ये ऑब्वियस है? सिया कहती है, क्या तुम सच में नहीं जानते उसने लाइब्रेरी में तुम्हारा इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया? जुनतांग बोलता है, मुझे पता है। और उठ के जाने लगता है और कहता है, वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जू जुनतांग को उसका स्काफ दे रही होती है तभी जू की फ्रेंड आ जाती है और बोलती है,
ये स्कार्फ तुम्हारे डेस्क पर कई दिनों तक पड़ा है, तो मैंने सोचा था कि ये तुम्हारा है। जू बोलती है, नहीं मैंने इसे उधार लिया था और मेरे पास इसे वापस करने का समय नहीं था। और इतना कहते ही वो अपनी दोस्त को ले जाती है। जुन्तांग स्कार्फ को देख के मन में कहता है, मैं उसे बात करने की कहने अपना स्कार्फ इस्तेमाल करना चाहता था और ये ठीक नहीं हुआ। और जब जुन्तांग मूवी के लिए पूछता है तो वो बोलती है, मैं हॉरर मूवी को हैंडल नहीं कर सकती हूँ। ये कह के वो मना कर देती है। और जुन्तांग मूवी की टिकट निकाल के कहता है, लेकिन मुझे लगा था कि उसकी पसंदीदा मूवी होगी ये। फिर अगले दिन जब जुन्तांग और जू बात कर रहे होते हैं तो एक बंदा के पूछता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जू बोलती है, नहीं हम दोनों सिर्फ गुड फ्रेंड्स हैं। ये सुन के जुन्तांग अपने मन में कहता है, उसने उस पर्सन को ये कहा कि हम सिर्फ गुड फ्रेंड हैं, वो भी बिना हेजिटेट के। फिर सीन प्रेजेंट का आता है और वो ये सब मन में सोच रहा होता है और कहता है, मैं उससे अपने दिल से प्यार करता हूँ और वो मेरा फर्स्ट लव है। फिर हमें जू को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन में होती है और सिया उसे कुछ फोटो भेजती है और वो उन फोटो को देख के काफी खुश हो रही होती है और वो अपनी और जुन्तांग के साथ में फोटो को सेव कर लेती है। तभी जू के फोन में एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, आखिर तुम हो कहाँ? फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जुन्तांग और सिया को दिखाया जाता है और जुन्तांग उसे सब कुछ बता दिया होता है। फिर वो अचानक से कहता है, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा, जो भी मैंने कहा तुम सब वो भूल जाओ। शिया बोलती है, मुझे ये स्वीट लगा और मैंने पहले ही सारी फोटो सेंड कर दिए हैं। जुन्तांग बोलता है, क्या? फिर शिया थोड़ा आगे जाती है और बोलती है, चलो जुन्तांग घर चलते हैं। और वो थोड़ा सा शर्मा रहा होता है। फिर उसका जब हाथ पकड़ता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ओवरथिंकिंग करना बंद करो जुन्तांग। शिया बोलती है, ये अच्छा लग रहा है ना? और जुन्तांग फिर पोल से टकरा जाता है। जुन्तांग बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? शिया बोलती है, मेरा मतलब ये हवा वाला मौसम और बसंत का मौसम आ रहा है और क्या तुम ठीक हो? जुन्तांग बोलता है, शायद मेरे दिमाग में बहुत कुछ है। शिया हंसते हुए कहती है, देखो तुम कहाँ जा रहे हो और ना तुम फिर से पोल से टकरा जाओ। और एंड में हमें जू को ट्रेन में दिखाया जाता है जो कि काफी दुखी लग रही होती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप लोग 200 सब्सक्राइबर जल्दी से करा दो अगले एपिसोड के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सायोनारा और बाय।